ओम शांति। 14 जुलाई के ईश्वर उदाहरण में आप सबका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भगवा। साइलेंस के साधन कौन से हैं जो हमारा मेंटल प्रैक्टिस होती है हमारी साइलेंस में जाने की, परमात्मा से जुड़ने की, इम्प्योर थॉट्स को हटाने की, प्योर थॉट्स को बढ़ाने की। परमात्मा कहते हैं माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। लास्ट घड़ी मतलब शरीर छोड़ने तक आएगी, या तो आप देखें सृष्टि चक्र का जब परिवर्तन होगा कलयुग के अंत तक आएगी माया। माया मतलब हमारे अंदर काम क्रोध दुमोह के संस्कार या हमारे अंदर वो थॉट्स आने, माया आवे और आपको हिलाए फिर आप भगाओ। माया आए, नेगेटिव थॉट्स आए, इम्प्योर थॉट्स आए, वेयर थॉट्स आए, फिर आपको हिलाए और फिर आप उसको भगाओ। ये भी टाइम वेस्ट हुआ परमात्मा कहते हैं। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। मतलब कि आपको पहले से फीलिंग आ जाए कि कुछ नेगेटिव, कुछ इम्प्योर थॉट्स मेरे में आ सकते हैं या आने वाले हैं, तो आप वहीं से अपने कान नाक आँख मुख को वहाँ से दूर कर लो, मतलब उस पर से फोकस हटा लो। परमात्मा कहते हैं उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूँ कैसे करूँ, अभी तो पुरुषार्थी हूँ है ना, क्या करूँ क्रोध आ गया, क्रोध के संकल्प आ गया, उसने बात ही ऐसे कह दी, या कैसे करूँ पता नहीं, मन नहीं लगता, बात समझ नहीं आती, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी तो मेहनत करनी शुरू करी है, मैंने मेडिटेशन करनी शुरू करी है, टाइम लगेगा मुझे बहुत, तो यह भी माया की खातिरी करते हो। मतलब कि हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स तुम्हें अभी भी परमिशन है आने की, थोड़ा टाइम के बाद में देख लेंगे तुम्हें, बिकॉज क्या करो पुरुषार्थी हो, अभी तो टाइम लगेगा मुझे चेंज होने में, तो तुम आते रहो बाद में देख लेंगे तुम्हें, या इम्प्योर थॉट्स तुम आते रहो तुम्हें भी हम बाद में निपट लेंगे तुम्हें आराम से, अभी तुम्हें टाइम दे रहा हूँ आने का। मतलब आप परमिशन दे रहे हो चोर को अपने घर में आने की, फिर देख लेंगे तुम कितनी चोरी करते हो। तो परमात्मा कहते हैं फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाएंगे। मतलब कि नेगेटिव थॉट्स इम्प्योर थॉट्स को चोर को अंदर आने ही नहीं देना है, कि उसको मौका ही नहीं देना है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।